उसके ऊपर तब का ये कंसेंसस है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। आरकेएफ बतौर अपोजिशन के हम कोशिश करेंगे कि वी शुड ट्राई एंड इम्प्रूव द कंडीशन इन द पार्लियामेंट, ताकि जो जमहूरी और पार्लियामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अदा हों। और फिर इसके साथ साथ बजट के ऊपर हमने डिस्कशन की कि बजट जो कि आवाम दुश्मन बजट है, इसको हम पूरी तरह इसकी मुखालफत करेंगे फैक्ट्स के साथ, और बताएंगे हुकूमत को कि ये बजट जो है ये आवाम दुश्मन है, ये गरीब दुश्मन है, ये किसान दुश्मन है, मजदूर दुश्मन है, इसको ये हाउस और 22 करोड़ आवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है। और फिर जो ऑल पाकिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में बात हुई कि वो इंशाल्लाह जिस तरह तय हुआ कि इन प्रिंसिपल उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में गुफ्तगू हुई। और इट्स वेरी गुड ऑफ हिम, आई एम थैंकिंग फॉर हिज विजिट, एंड वी विल कंटिन्यू यू नो एंगेजिंग ईच अदर ऑन वेरियस इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया, खासतौर पर मिस्टर शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज हम पार्लिमानी सेशन के बाद शहबाज शरीफ साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन के दफ्तर में मुलाकात किए हैं। सियासी जो सूरत हाल है मुल्क का, नेशनल असम्बली में जिस तरीके से हुकूमत एक किस्म की धांधली के तहत ये बजट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब को तकरीर करने का मौका दे रहे थे, और हमारे चार जो रुकने कौमी असम्बली सदर जरदारी साहब, मोहसिन दावर साहब, अली वज़ीर साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं कर रहे हैं, ताकि वो बजट का डिबेट का हिस्सा भी ना हो और बजट का वोटिंग का उनका मौका ना मिले। ये दांधली ज़दा हुकूमत दांधली करके बजट पास करने की कोशिश कर रही है, जिसका पूरा का पूरा अपोजिशन इसका काउंटर कर रहे हैं। और आज जो बात तय हुआ स्पीकर साहब के साथ, इंशाल्लाह इस माहौल में थोड़ा सा बेहतरी भी आएगी। जहाँ तक बजट पास होने की बात है, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम पूरा अपोजिशन मिल के इस अवाम दुश्मन बजट को रोकना पड़ेगा। मैं पहले भी कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये बाहर का बना हुआ बजट, ये PTIMF का बजट इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और जो भी अपोजिशन में हमारे एलाइज हैं मिल के एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम इस बजट को रोक सकें, अवाम को, गरीब को, किसान को, मज़दूर को इस बजट से प्रोटेक्ट कर सकें। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हमारा APC भी होगा, जहां सारे अपोजिशन पार्टीज बैठ के अपने लाएमल भी तय करेंगे। मैं एक बार फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ आज उसने हमारा मेज़बानी की। सर, आपसे मुलाकात में क्या तय हुआ है सर? सदर आसिफ अली